हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। किसी ने कहा है पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। यही अंदाज राजनीति में अब हल्ला बोल रहा है। 48 घंटे मध्य प्रदेश में ऐसे गुजरे कि लगा मध्य प्रदेश कर्नाटक बन चला है। कर्नाटक के अंदाज में उठा पटक शुरू हुई। कुछ 11 विधायक गुरुग्राम के एक होटल में मिले बताया जाता है, और कांग्रेस दावा कर रही है कि 6 हमारे कब्जे में, हमारे ही विधायक हमारे कब्जे में। रामबाई के पीछे पड़े थे कुछ लोग, लेकिन रामबाई ने अब ऐलान किया है कि अभी तक तो वो कमलनाथ के साथ में है। अगर 3 दिन सब कुछ ठीक नहीं किया तो रामबाई जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, यानी अंदाज बदल देंगी। अब ये खबर है कि प्रदीप जायसवाल जो खनिज मंत्री हैं वो भी कुछ बयान दे रहे हैं। तमाम चीजों के बीच में एक बात बिल्कुल तय है, कांग्रेस अपने अंदाज में बिखर गई। जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना था वो शायद असर कर गया। अब देखते हैं राज्यसभा के लिए क्या कांग्रेस ताकत लगाती है, क्या भाजपा। लेकिन राज्यसभा के लिए 3री सीट खतरे में है। राजनीतिक घटनाक्रम हम यहीं से समझेंगे इस रिपोर्ट में। फिलहाल रामबाई वापस हैं कांग्रेस के पाले में। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सियासत के बाजार में आज मध्य प्रदेश की राजनीति बाजारू हो गई। विधायक की जमकर बोली लगी, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई। बीते घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि 2 रात से कांग्रेस के मंत्री सोए नहीं और भाजपा के नेता एमपी में रुके ही नहीं। बीते दिन कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने निकली है। निर्दलीय विधायकों सहित कांग्रेस के 7 विधायक भाजपा के कब्जे में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ से 35 करोड़ तक का लालच दे रहे हैं। 5 करोड़ अभी ले लो और उसके बाद दूसरी और तीसरी किश्त में, दूसरी किश्त राज्यसभा में और तीसरी किश्त में आखिरी में सरकार गिराने में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि ये कर्नाटक नहीं है, मध्य प्रदेश का एक भी कांग्रेस का विधायक बिकाऊ नहीं है। आलम यह रहा, सत्ता छिनती देख कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह और मंत्री जीतू पटवारी ने मोड़ा। देर रात तक हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे और एक होटल में यह दावा करते दिखे कि उनके पास 7 विधायक वापिस होटल से उनके पाले में आ गए। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें रामबाई विधायक के साथ जीतू पटवारी और मंत्री जयवर्धन सिंह दिख रहे हैं। मजेदार बात यह रही कि रामबाई का सूटकेस राजा जयवर्धन सिंह ले रहे हैं। यह विधायक हैं। ये बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीदना चाह रही है। देखिए वो तो जो भाजपा के नेता उनसे पूछिए, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के भी ऐसे 10-15 विधायक हैं जो हमारे संपर्क में भी हैं। कांग्रेस जिन विधायकों को अपने पाले में लेने का दावा कर रही है वो हैं बसपा से विधायक रामबाई, बसपा से विधायक संजीव कुशवाहा, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज डंडोतिया, रणवीर सिंह जाटव, समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, जबकि 4 विधायक कांग्रेस के गिरेवा से दूर बेंगलोर में है, जिसमें वरिष्ठ विधायक बिसाहूलाल, हरदीप सिंह टंक, हेंदल सिंह कंसाना और सुरेंद्र सिंह सेरा बताए गए हैं। 6 विधायक भोपाल आ चुके हैं जहां इन्हें मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलवाया गया है। दिग्विजय सिंह ऑपरेशन लोटस में कामयाब होते दिख रहे हैं, लेकिन इस राजनीतिक उठा पटक में कांग्रेस अभी खुश न हो पाई थी कि खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बवाल मचा दिया है। कहा है कि निर्दलीय विधायक के तौर पर मैं जीता था,
मुझे जनता के लिए कुछ करना है। सरकार किसी की भी रहे, हम हर सरकार में अपनी शर्तों के साथ साथ रहेंगे, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो। जैसे सरकार जब तक कमलनाथ जी है तब तक हुड्डा जायसवाल साथ में है। सरकार अगर गिरती है कभी भविष्य में कभी ऐसा होता है तो जैसा क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, क्षेत्र के लोगों के मनसा के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए सरकार में शामिल होने में मेरा विकल्प खुला रहेगा। मतलब भाजपा को भी समर्थन दे सकते हैं, सरकार को भी रहे, सिर्फ सरकार में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जिले के विकास के लिए, ठीक है ना, मेरा विकल्प समय खुला रहे। साथ ही रामबाई को भी 3 दिन में मंत्री पद चाहिए। विधायक हॉर्स ट्रेडिंग में 6 विधायक कांग्रेस कैंप में वापस आ गए हैं, लेकिन 4 विधायक बागी हो चले हैं। कांग्रेस भाजपा पर विधायक किडनैपिंग के आरोप लगा रही है, तो भाजपा के नेता कह रहे हैं यह कांग्रेस का अंतर कलह है, वह हम पर झूठे आरोप लगा रही है। उनका अंतर कलह है तो उसका जवाब कमलनाथ जी ने, उसका जवाब सिंधिया जी ने, या उसका जवाब दिग्विजय सिंह जी ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑलरेडी ब्लैकमेल सरकार है, जब बनी थी तब जोड़ तोड़ इसके आधार पर बनी थी, और ये उन्होंने प्रयास किए हैं इन सारे मुद्दों के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि इस प्रकार के घटनाक्रम में न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, न हमारे किसी प्रकार के प्रयास है। तो प्रामाणिक रूप से बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम है जो मैंने अभी फौरी तौर पर समझा है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो सरकार सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर नहीं बनती है, ऐसी सरकारों का यही हश्र होता है जिस प्रकार की स्थितियाँ सामने आ रही है। लेकिन इस घटनाक्रम में एक बात तय होती दिख रही है कि वापस आए विधायक कांग्रेस के साथ दिल से या दिमाग से। अगर इन विधायकों ने थोड़े से ही दिमाग का इस्तेमाल किया तो कमलनाथ सरकार खतरे में है। बहरहाल राजनीति के 48 घंटे का ये हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे में दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में जाने का खेल और सिंधिया को किनारे करने वाला खेल भी उजागर होता दिख रहा है। इसका अंदाज तब लगा जब भोपाल में कांग्रेस के विधायकों की बैठक कमलनाथ ले रहे थे और सिंधिया गुट के मंत्री और विधायक अपनी अपनी मीटिंग ले रहे थे। कांग्रेस के लिए फिलहाल अब ये अच्छे दिन नहीं है। कांग्रेस के पाले से विधायक अब कम से कम चुप रहने वाले नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जब तक 2 पावर सेंटर नहीं होंगे तब तक यह बवाल बदस्तूर कायम रहेगा। सिंधिया की दस्तक के साथ ही यह बवाल बंद हो सकता है, यह कांग्रेस भी संकेत दे रही है और राजनीति का घटनाक्रम भी यही संकेत दे रहा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9999366776।